सतना शहर के नवनिर्वाचित महापौर योगेश ताम्रकार ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर ने सबको अचंभित करते हुए हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी शपथ ली, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मुख्य कार्यक्रम सतना के टाउन हॉल में रखा गया था। सतना नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर और पार्षद ने आज टाउन हॉल परिसर में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान सतना के नवनिर्वाचित महापौर योगेश ताम्रकार ने हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी शपथ ली। इसके बाद अपने उद्बोधन में उन्होंने सबसे पहले सतना नगर निगम का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसमें स्थानीय लोग साफ सफाई, पानी और अन्य समस्याओं की शिकायत और जानकारी दे सकते हैं। यह नंबर है 1800-5724060। वहीं नवनिर्वाचित महापौर ने कहा है कि वह हफ्ते में एक दिन जन सुनवाई करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इसके साथ ही नवनिर्वाचित महापौर योगेश ताम्रकार ने कहा कि शहर की गंदी बस्तियों का नाम सेवा बस्ती होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि शहर में संपत्ति कर ज़्यादा है, उसे कम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सतना सीमेंट फैक्ट्री में CSR मद के द्वारा 50,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर के 45 वार्डों में विकास के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, जन सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में EC टीम के साथ आदर्श काम के उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। कार्यक्रम के दौरान कई बार व्यवस्थाएं भी दिखी। कार्यक्रम के दौरान जहां लाइट आती जाती रही, वहीं दूसरी तरफ टाउन हॉल में बारिश का पानी भी कई जगह टपकता रहा। आइए देखते हैं विराट 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। ईमानदारी पूर्वक तथा निष्ठापूर्ण निष्पक्षतापूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय।